नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कि पहली जॉब आप कितने दिनों में चेंज करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर आदमी को जो है ग्रोथ चाहिए होती है, और पहली जॉब जब आप स्विच करते हैं यानी दूसरी जॉब के लिए जब आप जाते हैं तो आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से जो है आपके पास अलग अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप आईटीआई हैं तो कम से कम आपके पास जो है 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, अगर आप डिप्लोमा या बीटेक इंजीनियर हैं तो आपके पास 2.5 साल से लेकर 4 साल का एक्सपीरियंस अगर है तब आप पहली जॉब स्विच करते हैं तो आपके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप एक अच्छी सैलरी को प्राप्त कर सकते हैं। क्या रीजन है कि ये 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए? देखिए, जब भी आप पहली जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपके ऊपर जो है कंपनी पहले साल इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट इस तरह से होता है कि कंपनी आपको जो है पूरा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट आपको दिखाती है, किस तरह से काम हो रहा है वो आप सीखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही जल्दी जो है सीख जाते हैं। बहुत सारे इंजीनियर जो होते हैं, बीटेक इंजीनियर जो होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हर डिपार्टमेंट में एंटर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, वो आपस में जो है कोऑर्डिनेट अच्छा कर लेते हैं। तो जो बीटेक इंजीनियर होता है वो बहुत जल्दी जो है बाकी और डिपार्टमेंट के साथ घुल मिल जाता है, तो बाकी सारी चीजें जो है ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। जो आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मशीन ऑपरेटर पे होते हैं या सुपरवाइजर पे होते हैं तो वो बाकी और डिपार्टमेंट में एंटर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो जब आपको कंपनी के बारे में, प्रोसेस फ्लो के बारे में अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि मटेरियल का फ्लो कैसे हो रहा है, क्या क्वालिटीज आपको जो है मेंटेन करनी होती है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना होता है, ठीक है, मैन मशीन मटेरियल और मेथड, इनके बारे में अच्छी तरीके से जब आपको नॉलेज हो जाती है तो आप जो है अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले साल आप कंपनी के एनवायरमेंट को सीखते हैं, दूसरे साल आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर यानी कि अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। जब आप देखते हैं कि एनवायरनमेंट, कंपनी के एनवायरनमेंट में कौन कौन सी पोजीशन पे लोग काम कर रहे हैं और उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं, अब आपको ये लगता है कि मैं जो है अपने अंदर जो है कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करूं जिससे कि मेरी सैलरी ग्रोथ अच्छी हो। तो अगर आप प्रोग्रामर को देखते हैं तो प्रोग्रामर की सैलरी जब आप देखते हैं कि 50 से 60 हज़ार रुपए की सैलरी ले रहा है और उसके पास जो है ये नॉलेज है, इसके पास ये स्किल है और इसका काम भी बहुत कम है, और आप देखते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर है, उसकी सैलरी आपको मिल रही है 60 से 70 हज़ार रुपए, वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस कंप्यूटर पे बैठ के अपना जो है एक प्लानिंग शीट बना रहा है और एस्टिमेट कर रहा है। वो आप देखते हैं कि भाई इसकी सैलरी इतनी मिल रही है और ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके बाद जब आप जो है अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, आप जो है कुछ नई चीजें सीखने के लिए बाहर सर्च करते हैं कि आप जो है कंपनी के बाहर कैसे सर्च कर सकते हैं, कहाँ पर आपको जो है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, तब आप ये चीजें बाहर देखते हैं। फिर वो 1 साल है जॉब के साथ आपको जो है वहां पर अपना ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट करना होता है। आप देखिए, कंपनी के अंदर जो है ये सारी चीजें नहीं सीख सकते हैं क्योंकि कंपनी के अंदर जो है आपको कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। जहां पे मैंने जो है कंपनी के एन्वायरमेंट में काफी कोशिश की कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में मैं कुछ चीजें अपने आप वहां से ले सकूं, तो वो चीजें वहां पे नहीं मिल पाती हैं, तो आपको जो है बाहर जाना पड़ता है। वो ट्रेनिंग स्किल्स जो है आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से सीखते हैं। जब आप किसी को पे करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको जो नॉलेज देता है वो डायरेक्टली जो है वर्क फ्लो में देता है, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूं तो देखिए, कैड है, कैम है और सीएनसी प्रोग्रामिंग है और मशीनिंग है, ये सब चीजें जो है आपको कंपनी के एनवायरनमेंट में नहीं सीखने को मिलेंगी। हाँ, उनका प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो आप वहां पर देख सकते हैं, आप बाहर से सीखिए, उसके बाद जो है कंपनी के अंदर जो मशीन्स लगी हुई हैं या प्रोग्रामर हैं या ऑपरेटर हैं उनसे जो है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, फिर आपको जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप जो है 2 से 3 साल का जो एक्सपीरियंस है उसी ड्यूरेशन में अपनी स्किल्स डेवलप करिए। जब आपको लगे कि भाई मेरे अंदर जो है ये स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं, मैं जो है इंडिविजुअली काम कर सकता हूँ, तो आप जो है कंपनी के एचआर या अपने टेक्निकल हेड, ठीक है, उनसे बात करिए कि भाई मुझे जो है अपना जो दायरा है यानी कि जो स्किल का दायरा है वो बढ़ाना है, अब मैं ज्यादा काम को ले सकता हूँ इसलिए मुझे थोड़ी सी सैलरी बढ़ाइए।
अगर आपका जो टेक्निकल हेड है वो ये कहता है कि भाई देखो मेरे पास जो है इस चीज के बारे में पावर नहीं है, मैं जो है बात करूंगा ऊपर, तो उसके बाद देखते हैं, उसी ड्यूरेशन में आप जो है अपनी जॉब जो है नेक्स्ट सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। या तो आपकी जो है उसी कंपनी में ग्रोथ होगी, अगर ग्रोथ होगी तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होगी तो आप जो है उस ड्यूरेशन में यानी 2.5 से 3.5 या 4 साल का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में आप जो है जॉब करना स्टार्ट कर दीजिए, जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए जॉब जो ऐसी चीज होती है कि एकदम से नहीं मिलती है, आप जो है उसमें टाइम देते हैं, आप इंटरव्यूज में पहले जाना स्टार्ट करेंगे, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपके जो पुराना जो एक्सपीरियंस आपने लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? तो जो आपने स्किल डेवलप की है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बाउंस होंगे आपके ऊपर उनके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है? तो जब आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे अच्छी तरीके से और आप जो है इंटरव्यूज फेस करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले ही अटेम्प्ट में आप जो है इंटरव्यू क्रैक कर दें। आपको लग सकता है कि 4 या 5 इंटरव्यू जो है लग सकते हैं, उसके बाद जो है आप वो जॉब को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो कम से कम 30 से 40 बार जो है फेल हुआ है, वो मैं खुद हूं। मैंने जो है 30 से 40 इंटरव्यूज ऐसे दिए हैं जहां पर मेरा जो है रिजेक्शन हुआ है, कई बार मेरा जो है सिलेक्शन हो जाता था बट मुझे लगता था कि ये कंपनी सही नहीं है तो फिर मैं वो चीज छोड़ देता था। अब मैं कम से कम 150 इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ हूं, मुझे ये पता है कि इस इंटरव्यू की पोस्ट के लिए मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है? तो ये एक्सपीरियंस मुझे कब आया, जब मैंने इतने सारे फेलियर्स देखे, मैं जो है 1 साल के बाद से इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप अभी लर्निंग फेज में हैं तो आप जो है इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजेक्ट होंगे अभी से कोई बात नहीं, रिजेक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, और रिजेक्ट होते हैं तो आपको जो है उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्योंकि आपके पास वो सारे सवाल आ जाते हैं जो सवाल उन्होंने पूछे हैं, ठीक है? अलग अलग कंपनीज में जाके अलग अलग सवाल आएंगे लेकिन वो घुमा फिरा के वही जो है 5 से 7 सवाल होते हैं, उनके आंसर्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो आंसर्स आप दे सकते हैं, ठीक है? उनको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है? ये सारी चीजें जो है आप सीख लेंगे तो आपको जो है ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक पाएगा। 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो जाता है तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज की जो पहली पॉलिसी होती है वो ये होती है कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका पहली कंपनी का होना चाहिए जो कि आपने कभी स्विच ना किया हो। तो आप ये ध्यान रखिए, कुछ एमएनसीज क्या कहती हैं कि 2 साल का मस्ट एक्सपीरियंस हो, कुछ एमएनसीज होती हैं वो ये कहती हैं कि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस सेम कंपनी से होना चाहिए। अगर आप पहली कंपनी में 3 साल रुक जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि वो आप एमएनसी कंपनी में आसानी से एंटर कर सकते हैं। एमएनसी कंपनीज में उन इंप्लॉयज को ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो कि पहली कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? वहां पे आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वेलकम किया जाएगा अगर आपने जो है 3 साल का एक्सपीरियंस या 3 से प्लस का एक्सपीरियंस दिखाया। जब भी आप कंपनी स्विच करने की सोचें तो आप पहले अपने आप को रिकॉर्ड में देखिए, आपका जो करियर ग्राफ है वो तब इंक्रीज करेगा जब आपके पास जो है एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो सिंगल कंपनी का लगाओ। तो कभी भी आप जो है इंटरव्यू के लिए सोचें तो पहली कंपनी में आप कम से कम 2 से 3 साल का टाइम दीजिए, इस ड्यूरेशन में आप कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तो स्किल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है? बिना प्रॉब्लम के ग्रोथ क्या है, अंदर से ग्रोथ का मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज लाइफ। आइस स्केटिंग रिंग में सोच करके जाना कि मैं आइस स्केटिंग करूंगी, लेकिन एक बार गिरने के बाद में, दो बार गिरने के बाद में आकर के साइड में बैठ जाना, ये लाइफ है क्या? कोशिश करते रहे। हजार चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। अब एक नजरिया ये है, आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ। दूसरा क्या है, इसको एडवेंचर बना दो। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे, क्या हो जाओगे अंदर से? फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या?
जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया उसको सीखना आ गया। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता?